हाँ तो JSW एनर्जी के क्वार्टर फोर के जो नंबर थे वो आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको JSW एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी ने 2 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर्स पड़े हुए हैं तो आपको यहाँ पे 200 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये जो नंबर है ये 28% से पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में बड़ा है और ये नंबर आया है 2,440 करोड़ पे। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 174% से बड़ा है और ये नंबर आया है 877 करोड़ पे। तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे डबल से भी ज़्यादा पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो कंपनी का बड़ा है। देखिए ये ईयर ऑन ईयर बेसिस नहीं है, ये क्वार्टरली बेसिस है, ये थोड़ा गलती से मेरे से मिसटाइप हुआ है। बाकी अगर हम रेवेन्यू की बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये नंबर 55% से बड़ा है और ये नंबर आया है 2,440 करोड़ पे। और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे 743% से बड़ी है और ये नंबर आया है 877 करोड़ पे। तो देखा जाए यहाँ पे मोर देन 7 टाइम्स नेट प्रॉफिट का नंबर कंपनी का हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाँ वैसे अराउंड 100 से 150 करोड़ का एक डेफर्ड टैक्स पेमेंट है जिसकी वजह से ये नंबर इतना आया है, लेकिन फिर भी अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे भी अराउंड 6 से 7 टाइम्स हमें वहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट का नंबर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वो डेफिनेटली यहाँ पे देखा जाए तो नंबर्स अच्छे हैं। अगर वो डेफर टैक्स वाला अगर पार्ट हटा देते हैं वो भी लगभग अगर आप देखोगे 700 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट JSW एनर्जी का होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये नंबर्स काफ़ी फिनोमिनल है। तो देखिए अभी अगर हम देखेंगे अराउंड 50,000 करोड़ के मार्केट कैप पे JSW एनर्जी का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। और अगर आप देखोगे अराउंड 700 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट हमें नजर आता है अगर हम वो डेफर टैक्स वाला पार्ट हटा देते हैं। तो अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में ये नंबर्स कम नहीं होंगे और एक कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, तो वहाँ पे अराउंड पूरे साल का वहाँ पे लगभग 3,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट वहाँ पे JSW एनर्जी का हो सकता है। और उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो 16 से 17 के पी रेशियो पे ही ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पे खास करके रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करेंगे जो डिमांड यहाँ पे क्रिएट हो रही है, उसके अलावा जो पावर की अगर हम देखेंगे जो डिमांड यहाँ पे क्रिएट हो रही है, डेफिनेटली यहाँ पे आने वाले टाइम पे मुझे कंसिस्टेंट ग्रोथ नजर आती है। और अगर वहाँ पे 3,000 करोड़ की अर्निंग के साथ में अगर आप अराउंड अगर मार्केट वहाँ पे सिर्फ 30 के पी रेशियो भी अगर मार्केट देता है तो अराउंड 90,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का हो सकता है। और उसके हिसाब से अगर आप देखोगे 50 से 40,000 करोड़ और अगर वहाँ पे होता है यानी कि अराउंड 80% से यहाँ पे मार्केट कैप इस कंपनी का बढ़ सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये कंपनी काफ़ी अच्छी नजर आती है, एक अच्छे ग्रुप से ये कंपनी बिलोंग करती है, वहाँ पे डेफिनेटली ये स्टॉक आपके रडार पे होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, तो इसको जाने की ऊपर जाने की इच्छा भी होती है लेकिन ऊपर जा नहीं पाता है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप स्टॉक बाय कर रहे हो तो आपको उसको T+2 के लिए होल्ड करना पड़ता है। तो उसकी वजह से वहाँ पे जो स्पेक्युलेटर्स होते हैं उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है और इसकी वजह से स्टॉक का प्राइस इतना ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे बहुत टाइम से 300 से 400 के बीच में ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। लेकिन देखिए एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करेंगे तो अभी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रैली हो गया है, लेकिन हमें आज देखना चाहिए कि आज से ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। आज वैल्यूएशन पे क्या ये स्टॉक अच्छा नजर आ रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से अच्छा नजर आता है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है। दोस्तों मैं होप करता हूं कि JSW एनर्जी के जो क्वार्टर फोर के नंबर्स हैं उसके बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।